हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हारमोनियम गुरु शर्मा और मैं ऐश कुमार शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इतनी मधुर धुन सिखाऊंगा कि एक धुन है लेकिन सैकड़ों गानों के बीच में आप एज ए म्यूजिक, जो गाने के बीच में म्यूजिक बजाया जाता है, उसकी तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर आपने देख लिया है। और ये धुन है दिल लूटने वाले जादूगर, ये जो फिल्म है ना, फिल्मी सॉन्ग, इस पर आधारित है, इसी में बजी हुई है धुन। तो दोस्तों, इसको आप देखें और समझें। और फिर कई गीत हैं, जैसे कि ये गीत है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, इसमें भी बजा सकते आप। भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है, इसमें भी बजेगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, इसमें भी बजेगी ये धुन। और दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, तो इसमें तो बजी बजी इसकी तो धुन है। लेकिन इसके अलावा और कई सैकड़ों गाने हैं जहां आपको लगता है कि ये धुन रोचक लगेगी, इसमें मधुर लगेगी, तो उसी बीच में आप इस धुन को बजा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक अवश्य दें, क्योंकि ये पहचान होती है लाइक कि आपको वीडियो पसंद आया है। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अवश्य करें, और नोटिफिकेशन बेल को एक बार दबा दें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो जो भी अपलोड होते हैं सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचें और आप आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। दोस्तों, अभी मैं ये धुन सिखाता हूं आपको, इसको कहीं से बजाएं आप, मधुर लगती। अभी मैंने जो बजाया था एफ शार्प मेजर से बजा के बताया था, लेकिन आप पहली काली से, आपकी सहूलियत के लिए मैं पहली काली से बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये धुन आप जहां से गीत बजेगा, आपका गीत भी वहीं से बजेगा, उसी स्केल पे। देखिए, जैसे पहली काली से मैं बजा रहा हूं तो यहीं से धुन बजेगी वो। तो इसके दो फ्रेज बताऊंगा, इसमें नोट्स क्या लगेंगे, सारे सारे गा धुन, सिर्फ धुन में सारे गा, तीन नोटें लगेंगे सारे गा, और लोअर ऑक्टेव में लगेंगे पाधा पाधा नी और पाधा नी, तीन लोअर ऑक्टेव लगेंगे, और मध्य सप्तक के सा रे गा और कोमल गा भी आएगा, सॉरी कोमल रे भी आएगा, सा रे कोमल रे और गा, इतने नोट्स इसमें लगेंगे। पहला फ्रेज देखें, ये बिल्कुल ताल कैरवा में बजने वाली म्यूजिक धुन है। कैसे बजाना, पाधा सा वन टू थ्री फोर, इस टाइप से बजाना, पाधा सा, सा के ऊपर एक मात्रा बढ़ा करके सा को तो दबा के रखना, पाधा सा, और सा के बाद चार बार ये नी दबाना, दोबारा फिर पहले पाधा सा और सा को दबा करके रख करके नी 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 चार बार दबाना, नी 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 नी, और फिर पाधा रे, और जब रे दबा के रखेंगे तो कोमल रे को चार बार दब ऐसे टच करना चार बार, और इसी टाइप से ये दो बार बजाना। कैसे, दूसरा फ्रेज है,
सारे गारे गारे सा, सारे गारे गारे सा। अब यदि मात्राओं के हिसाब से देखा जाए तो पहला फ्रेज देखें, पादा सा, वन टू थ्री फोर, और फिर चार बार नी नी, वन टू थ्री फोर, इस टाइप से। फिर दोबारा पादा रे, वन टू थ्री फोर, और फिर उसके बाद में रे 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 कोमल रे रे, तो चार ही हो गए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो फोर बीट से हो गए। तो ये पहला फ्रेज हो गया, दो बार बजाना। दोबारा दूसरा फिर सारे गारे गारे सा, इसकी मात्रा देख, वन टू थ्री फोर, गा पे तीन और चार मात्रा हो जाए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस टाइप से। सारे गारे गारे सा, और सा के ऊपर आपको फिर मात्राएं, चार मात्राएं और बढ़ा देनी है। तो इस टाइप से आपकी धुन तैयार है। और देखना, अब मैं इसको गाने के बीच में डालता हूँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। इस धुन को बजाएं, बढ़िया। पहला फ्रेज बजा दें, फिर दूसरा फ्रेज बजा दें, माने दो दो बार बजाना है। पहला फ्रेज बजाएं, फिर उसके बाद दूसरा फ्रेज बजाएं, और दो बार बजाना है। आप किसी भी, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो ये धुन बहुत पॉपुलर है और बहुत जगह बजती है। भगवान तुम्हारे मंदिरों में एक प्रेम पुजारी आया है, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया धुन है, इसको आप अवश्य सीख लेना। हर संगीतकार को, हर हारमोनियम वादक को ये धुन तो आनी चाहिए, बहुत पॉपुलर धुन है ये, कई भजनों में गाई बजाई जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, और अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।